दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शिवम कंप्यूटर्स। कोई भी नई फॉर्म से रिलेटेड जानकारी या फिर कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती रहे तो लाइक किए बिना मत जाया करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूँ। तो भैया, आज मैं बात करने वाला हूँ TGT फॉर्म के बारे में, जो कि यूपी में TGT 2021 की वैकेंसी निकली है। उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करूंगा और आपको बताऊंगा वैकेंसी कैसी है, कैसे आप फॉर्म को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने क्या इसका चार्जेस कट रहा है, मतलब TGT के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो MP पुलिस की डेट आई थी, जो कि 5 अप्रैल के आसपास से एग्जाम होने वाले थे, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब आगे कोई एग्जाम की डेट पता नहीं है क्या होने वाला है। मतलब ज्यादातर लोगों को जब फॉर्म भरे जा रहे थे तभी ये चीज पता थी कि भैया एग्जाम का कुछ पता नहीं है, डेट जो इन्हें दी है वो बढ़ने ही वाली है, मतलब इसका तो बिल्कुल सियोरिटी हो जाना ही चाहिए था कि MP का जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम चांस हो टाइम के अंदर हो पाए। और अगली जो अपडेट है वो है कोस्ट गार्ड को लेकर, कि कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी के नहीं निकल रहा है, जैसे 20 को एग्जाम है और उसका 17 को भी नहीं निकल रहा है, तो शाम को वो ट्राई कर सकता है, शाम तक उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक मिल जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं TGT 2021 के फॉर्म के बारे में, जो कि यूपी में निकली है। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट थी 16 मार्च 2021 और इसकी लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2021। उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और किसी वजह से इसकी साइट नहीं चल रही है और पेमेंट नहीं हो पाई है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल 11 अप्रैल 2021 के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की इसकी लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2021, मतलब आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है इसकी पेमेंट करने के लिए। और अगर पेमेंट के बाद जो इसकी बची हुई प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम है 15 अप्रैल 2021 का, तो 15 अप्रैल तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, फॉर्म भरने के बाद, मतलब पेमेंट वगैरह जब आपकी इसकी हो जाए बिल्कुल। और इसके बाद एग्जाम की कोई डेट अभी तक आई नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड की कोई डेट आई है कि कब तक इसका एडमिट कार्ड आ पाएगा। और जनरल और OBC कैटेगरी अगर इसका फॉर्म फिल करती है तो लगेगा ₹750, और SC EWS फिल करेगी तो ₹450, और ST फिल करेगी तो ₹250 का। तो पेमेंट आप किसी भी डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी शॉप पर भरवाने के लिए जाते हैं तो ₹50 इसके आसपास वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है फॉर्म भरने का। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें आपको डेट दे रही है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को आप कम से कम 21 साल के होने ही चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और इसमें ओवर एज की कोई डेट नहीं दे रखी है अभी तक। अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें है 12,603 वैकेंसीज, और इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं बालक और बालिका के लिए, मतलब लेडीज और जेंट्स के लिए, यानी कि मेल और फीमेल के लिए। भैया मेल के लिए जो वैकेंसी है वो है 11,195, और फीमेल के लिए बची हुई वैकेंसी है जो कि है 1,408। तो आप देख ही रहे हैं डिफरेंस कितना है मेल के लिए और फीमेल के लिए। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है, जो कि वीडियो में मुझे समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपसे सिर्फ BEd मांगी जा रही है। अगर आप BEd पास हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक अपेयरिंग वालों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम नहीं दे रखा है कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास सनद है तो सनद भी लगेंगे दोनों के साथ में, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और BEd की मार्कशीट। और उसके बाद बचता है आधार कार्ड, आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है, और साथ में अगर UP का फार्म है तो हो सकता है पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड का भी ऑप्शन आए, कोई भी एक आई प्रूफ आपको लगाना है इन सभी में से। तो भैया इस बार थोड़ा लेट हो गया फॉर्म की जानकारी देने में, अगली बार कोशिश करूंगा पूरी एक वीडियो में आपको पूरे हफ्ते के जितने भी फॉर्म है सबकी पूरी जानकारी दे दूं, तो आप मंडे टू मंडे उसको देख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।